एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी बाहर अपनी सीता घास खा रही है, बाकी सबको अभी अंदर ही रखा हुआ है क्योंकि सब एक साथ आते हैं तो खूब मस्ती करते हैं। और इसमें थोड़ा सा पत्थर वगैरह भी है, ऊपर नीचे थोड़ा है ज़मीन, तो इसके लिए चोट भी लग सकती है। और सब उतने अच्छे से घास तो नहीं खा पाते, सीता ही जो है उसमें सबसे ठीक ढंग से घास इसको खाना आता है। ये एकदम शांतिपूर्वक खाली अपने खाने पे फोकस देती है और सब रास्तों पे ध्यान से चलती है। बाकी और जितनी भी पार्वती लक्ष्मी बलू ये सब बहुत ज़्यादा भागम कूदी करते हैं। तो अभी थोड़ा मौसम क्लियर है, हल्की धूप भी है, तो सीता को बाहर निकाल दिया है कि सीता अपना बाहर थोड़ी घास खा ले और थोड़ा चलेगी फिरेगी तो उसके लिए भी थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि एक ही जगह अंदर बाहर करने से बहुत ज़्यादा गायों का हेल्थ कोई प्रॉपर अच्छा तो रहता नहीं है। और गायों के जो नीचे के नाखून होते हैं, जो खुर होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं, जिससे गायों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब गाय आगे घूमती फिरती रहती हैं तो उनके जितने भी नाखून हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिम होते रहते हैं, घिसते रहते हैं और गाय भी ठीक रहती हैं। अभी दोपहर के टाइम में गाय अभी आराम करके सभी खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि इन सबको अभी खाने के लिए चारा चाहिए। और ये बल्लू और ये अपना पूरा ही सबका भी पेट खाली होगा क्योंकि अभी सबको खाने के लिए कुछ चाहिए। पर आज का मौसम काफ़ी ड्राई है, आज हल्के फुल्के बादल है, बाकी आज ज़्यादा टाइम धूप ही था तो आज मौसम में थोड़ी सी गर्मी है। वैसे अभी थोड़े से बादल की वजह से छाया हो गया, बट अभी सभी गायों को पानी पिलाना है और अभी इन सभी को अभी वाटा और भूसा मिक्स करके देना है ताकि ये खा सके। अभी फ़िलहाल मैं अपने पास पार्वती और सीता ही मिल्किंग हो रहा है इन्हीं का बस, और ये अपनी लक्ष्मी जो है इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये खाली बलू ही उसे फीड करती है, वो भी धीरे धीरे कुछ दिन में कम हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी, तब जाके इसकी कुछ बॉडी थोड़ी सी सही हो पाएगी। अब लक्ष्मी के और बलू के आई फ्लू में भी थोड़ा सा पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, नहीं तो ऐसे तो बलू की और इसकी आँख खुलने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। और आई फ्लू में क्या होता है कि गायों के आँखों में हमेशा थोड़ी सी इचिंग होती रहती है, जिसकी वजह से गाय हमेशा अपनी आँख को बंद की हुई होती है और बार बार उसे खुजलाने की कोशिश करती है। वैसे भी मैं इनको प्रॉपरली दवा देते जा रहा हूँ तो जिसकी वजह से ये अभी सब ठीक है। अभी इनको फिर अंदर कर दिया है क्योंकि कुछ देर में शाम हो जाएगी तो इनको अंदर ही जाना होता है, इसके लिए इनको भी अंदर हुआ है और ये अंदर ही अभी खाएंगे और अंदर ही मिल्किंग हो जाएगी सब।